Hi guys, welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा खास और उसके दो रीजन है। पहला रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेरे पास यहाँ पे कोरियर आया, मैंने कुछ न्यू मटेरियल्स मंगाए हैं। तो इसमें है ऑयल पेस्टल्स और एक न्यू स्केचबुक। तो ऑयल पेस्टल्स मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, मतलब वीडियो में। सो ऑयल पेस्टल्स आप लोगों ने मेरी ड्रॉइंग इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो देखी होगी, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो मैंने बहुत ही कम डाली है ऑयल पेस्टल की, इनफैक्ट एक ही वीडियो डाली है। और सेकंड रीजन ये होगा कि मैं जो आज ड्रॉ करने वाला हूँ वो आर्ट पर फिल्म में रेफरेंस यूज करने वाला है, एक मास्टर आर्टिस्ट की पॉपुलर पेंटिंग का। उस पेंटिंग में हम थोड़ा इंडियन टच ऐड करेंगे, उसको अपने स्टाइल में थोड़ा इंडियन स्टाइल में उसको ड्रॉ करेंगे। चलो मैंने सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके मटेरियल्स आपको दिखाता हूँ। तो चलो अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये रही रेफरेंस फोटो और ये रही आउटलाइन जो कि मैंने ड्रॉ कर ली है। तो अब इसमें हम कुछ इंडियन टच ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हो जो भी मैं इसमें मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने इस फीमेल फेस में ये चेंजेस कर दिया, अब मेल फेस में मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगा जिससे कि मैं अपना थोड़ा इसमें इंडियन स्टाइल इंडियन टच क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं ये ऑयल पेस्टल्स यूज़ करने वाला हूँ जो कि मैंने अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाए हैं, कैमल के ऑयल पेस्टल्स। तो इसमें 50 शेड्स हैं और ये बहुत सारे शेड्स इसमें मिल जाते हैं, तो इसमें सब मैं चूज़ करके जो मुझे कलर चाहिए वो मैं एक एक करके निकाल लूँगा। पहले स्किन टोन से सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो इसमें आई थिंक 1, 2, 3 और 4 चार हमें स्किन टोन्स मिल जाती हैं। तो फेस में पहले एक बेस लेयर क्रिएट कर लूँगा और कलरिंग का आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही आराम आराम से आपको कलर करना है, ठीक है। क्योंकि ये ऑयल पेस्टल्स जो होते हैं वो शार्प भी नहीं होती, इनकी टिप जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है। या तो आप इसका एज यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको नॉर्मली मतलब सेंटर से ही पकड़ के बट काफ़ी हल्के हाथों से यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑयल पेस्टल्स में हमेशा लाइट टू डार्क जाना होता है, मैंने भी इसमें यही टेक्निक यूज़ की है। पहले मैंने लाइट कलर से बेस लेती थी और अब मैं थोड़ा डार्कर शेड्स यूज़ करके इसमें डिटेलिंग और शेडोज़ ऐड करूँगा। ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करने के लिए आप अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो टिश्यू पेपर या फिर आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टम्प्स। मैं यहाँ पे आपको टिश्यू पेपर से ब्लेंड करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो टिश्यू पेपर से बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड करके ही बहुत ही अच्छा स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टिश्यू पेपर से ब्लेंड करो बिल्कुल आपको ना प्रेशर ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे ना तो आपके पेस्टल्स थोड़े मडी जैसा इफेक्ट देने लग जाएंगे। अब फेस के छोटे एरियाज में मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत ध्यान से करनी है। ऑयल पेस्टल जैसे मैंने आपको बताया शार्प नहीं होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप डिटेलिंग करो। अगर आपने डार्क कलर से थोड़ा भी कुछ इसमें मिस्टेक कर दिया तो आपकी ड्राइंग पूरी ख़राब हो सकती है। कैमल के ऑयल पेस्टल्स की मैं बात करूँ तो कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और स्मूथ भी है, ब्लेंड भी अच्छे से हुए हैं अभी तक, लेयरिंग अच्छे से हो पा रही है इसमें। जिस तरह के शेड्स में ऑप्ट करना चाह रहा हूँ वैसे ही मुझे इसमें मिल पा रहे हैं। जो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ऑयल पेस्टल्स यूज़ करने होते हैं, प्रेशर का कैसे ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग ज़्यादा नहीं करनी है, लाइट टू डार्क में आपको कलरिंग करनी है, तो अगर आप उस तरह से इन कलर्स को यूज़ करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं इससे अभी तक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, जिस तरह का मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वैसे ही मुझे इससे रिजल्ट मिल पा रहा है। और जैसा कि रेफरेंस फोटो को मॉडिफाई करके हमें इसमें थोड़ा इंडियन टच ऐड करना था, वो भी अब इसमें आप देख सकते हो जो कि मैंने क्रिएट कर दिया है। ऑयल पेस्टल से आप बहुत अलग अलग तरह के आर्टवर्क्स बना सकते हो और इससे आप एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कर सकते हो, अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हो आप इसमें टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, ब्लेंडिंग करने के लिए, जो मैंने दो तीन चीज़ें बताएं उसके अलावा भी आप बहुत टूल्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरी ये ड्राइंग कम्प्लीट हो गई है, अब आप देख लो ड्राइंग को एकदम अच्छे से। और अगर आपको ये ऑयल पेस्टल्स और ये स्केचबुक बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, पेस्टल्स कैसे लगे और इससे मैं और क्या ड्रॉ कर सकता हूँ वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं उसकी भी वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। ऑल्सो गाइस, कैमल ने बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है जो कि है कैमल आर्टिस्ट कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप लोग अपने आर्टवर्क सबमिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में और बाकी आर्टिस्ट के आर्टवर्क भी आप देख सकते हो। सो एक दूसरे से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी जरूर आप चेक करना। डिस्क्रिप्शन में आपको कैमल आर्टिस्ट कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।